भाई जो भी दर्शक मुझे समझते हैं वो जानते हैं कि मैं स्वभाव से थोड़ा फिल्मी हूं। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में ये संवाद सुने थे कभी, सब कुछ लिखा हुआ है। पहले इसका मतलब बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा, परंतु कुछ समय बाद जब एक घटना के बारे में पढ़ा और वर्षों पूर्व एक उपन्यास में उसका पूर्वानुमान पढ़ा तो सब कुछ समझ में आने लगा। नमस्कार मित्रों, TFI इतिहास एवं संस्कृति पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे एक पुस्तक ने टाइटैनिक की त्रासदी से वर्षों पूर्व उसे प्रेडिक्ट किया और कैसे वही हुआ जो उक्त पुस्तक में लिखा गया। तो अविलंब आरंभ करते हैं। एक लेखक था, नाम था मॉर्गन रॉबर्टसन। बहुत समृद्ध व्यक्ति नहीं था, परंतु कभी जहाजों पर काम कर तो कभी हीरा उद्योग में हाथ आजमा कर उसने लेखन की ओर अपना ध्यान मोड़ा। प्रारंभ में वह बहुत सफल नहीं था, परंतु उसने एक ऐसी पुस्तक लिखी जिसने उसके डूबते हुए करियर को बचाया और आगे चल उनके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला था। 1898 में उनका यह लघु उपन्यास प्रकाशित हुआ। फ्यूटिलिटी और द रेक ऑफ टाइटन नामक इस कथा का नायक एक पूर्व नौसैनिक था जिसे परिस्थितियों ने एक डेक हैंड यानी जहाजी नौकर बनाकर छोड़ दिया था। वह कैसे एक त्रासदी में बचता है और कैसे एक बच्ची के साथ उसके संबंध उसके जीवन को आगे बढ़ाते हैं, यह इस उपन्यास का सार है। कहने को एक सरल पर रोचक नॉवेल है, नहीं अगर इस उपन्यास के कुछ अंशों पर ध्यान दे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पुस्तक में नाविक एक विशाल जहाज पर सवार है जिसे सब अभेद्य एवं अविनाशी मानते थे, यानी वह जहाज जो डूब ही नहीं सकता। इतना ही नहीं, इस नॉवेल में जो जहाज है वह अपने समय का विश्व का सबसे बड़ा जहाज था, परंतु अपनी प्रथम यात्रा में ही यह जहाज एक हिमखंड से टकराता है और डूब जाता है। परंतु कथा यहीं पर खत्म नहीं होती। इस पुस्तक में लोग जहाज के डूबने से उतना नहीं मरते जितना संसाधनों के अभाव एवं समुद्र के तापमान से। अब आपको लग रहा होगा, भाई ये कथा कहीं सुनेली लगती है। नहीं, बिल्कुल ठीक सोचे। 14 वर्ष बाद जो हुआ वो इसी कथा का मानो सजीव प्रसारण था। एक बहुचर्चित जहाज निर्माता कंपनी अपने सबसे भव्य जहाज को उतारती है जिसके खूब चर्चे होते हैं। कहा जाता है कि यह जहाज अनसिंकेबल है, यानी कभी डूब ही नहीं सकती। 10 अप्रैल 1912 को यूके के साउथहैम्पटन के पोर्ट से यह जहाज अपनी प्रथम यात्रा को न्यूयॉर्क निकला। इसमें 2200 से भी अधिक यात्री सवार थे और यह जहाज कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी, जिनमें सर्वप्रथम था जहाज का साइज। अब और सुनिए, यह जहाज उसी मार्ग से गुजरा जिस मार्ग से मॉर्गन रॉबर्टसन का काल्पनिक जहाज गुजरा था। 14 अप्रैल 1912 की रात यह हिमखंड से वैसे ही टकराता है जैसे वह काल्पनिक जहाज टकराया। यह भी उसी स्थान पर डूबता है जहां मॉर्गन रॉबर्टसन का जहाज डूबा। इतना ही नहीं, लोग जहाज के डूबने से उतना नहीं मारे गए जितना जहाज पर लाइफ बोट के अभाव और तत्कालीन समुद्र के तापमान से। इस जहाज का नाम था RMS टाइटैनिक, जिस पे आज फिल्म से लेकर मीम्स तक बन चुके हैं। 10 अप्रैल को अपने गंतव्य के लिए निकला यह जहाज उत्तरी अटलांटिक में बीच मार्ग में ही डूब गया। हिमखंड से बचने में वह ऐसा टकराई कि उसके 5 कंपार्टमेंट पानी से भर गए और निर्माण क्षमता के अनुसार वह केवल 4 कंपार्टमेंट के पानी से पूरी तरह भरे होने पर ही तैर सकता था। 11:40 पर टकराया जहाज 2:20 डूब गया और लाइफ बोट के अभाव के कारण 2200 से अधिक यात्रियों में से मात्र 713 कुछ यात्री बच पाए। 1500 से अधिक यात्री इस त्रासदी में मारे गए और इनमें से लगभग 1200 यात्रियों के अवशेष आज तक नहीं मिल पाए। अब आप भी सोच रहे होंगे, ऐसा संयोग कहीं होता है क्या? वो कहते हैं सत्य कल्पना से भी अजब और समझ से परे होता है, परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि सत्य और कल्पना के बीच जो सीमा है वही मिट जाती है। मॉर्गन रॉबर्टसन की उस पुस्तक से भी पूर्व ऐसे ही विषय पर लंदन के पॉल मॉल गैजेट में एक लघु कथा छपी जिसे पत्रकार और उक्त पत्रिका के संपादक विलियम थॉमस टेड ने स्वीकृति दी थी। उन्होंने इसी बात पर प्रकाश डाला कि जहाज पर यात्रियों के अनुपात में लाइफ बोट बहुत कम है और इसे यदि नियंत्रित नहीं किया गया तो आगे चलिए एक विशाल त्रासदी का कारण बनेगी। यह लघु कथा 1886 में प्रकाशित हुई, वो भी मॉर्गन रॉबर्टसन के उपन्यास से 12 वर्ष पूर्व। परंतु दोनों ने कहीं ना कहीं टाइटैनिक के साथ जो होने वाला था उसे जाने अनजाने बहुत पूर्व समझ लिया था। रोचक बात यह भी है कि विलियम थॉमस टेड 1912 में टाइटैनिक पर ही सवार थे और त्रासदी में उनकी मृत्यु भी हुई। यह सब संयोग तो नहीं हो सकता ना? आपके इस विषय पर क्या विचार है कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें।